जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ट्रेन जो है ट्रैक कैसे चेंज करती है, क्या लोको पायलट जो है उस लोको पायलट क्या स्टेयरिंग पकड़े हुए रहता है या तो हैंडल पकड़े हुए रहते हैं उससे मुड़ता है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जो है स्टेशन मास्टर जो है ऑपरेट करता है। तो पहले जो क्या होता था कि पहले जो होता था वो पॉइंट मैन आकर के हैंड से इस तरह से करता था और उसके बाद वो ट्रेन जो है क्रॉस करती थी, और अब क्या होता है, अब डायरेक्ट मशीन के थ्रू होता है, डायरेक्ट बैठे बैठे होता है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सल, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सल और इसको बोलते हैं व्हील। व्हील क्या करता है, इस तरह से ट्रेन के पटरी को इस तरह से अंदर से जकड़े हुए रहता है, अंदर से इस तरह से जकड़े हुए रहता है ताकि न तो ट्रेन चक्कर इस तरफ जाए और न ही इस तरफ जाए। तो उस देखिए यहाँ इस तरह से ये जकड़े हुए है, इस तरह से ये जकड़े हुए कि अंदर में दोनों तरफ से ये पकड़े हुए रहता है, ये अंदर में दोनों तरफ से पकड़े हुए थे ताकि न इधर जा सके और न ही इधर जा सके। तो अब हम लोग देखेंगे जो ट्रेन है ट्रैक को किस तरह से चेंज करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये जो ट्रेन है ये अगर ये इस तरह के इसको ये इस तरफ अगर ऊपर चला जाए तो ये इस तरफ चला जाएगा, और अगर देखिए अगर ये ऊपर चला गया तो इस ट्रैक में चला गया, और अगर ये ट्रैक जो है ये वाला ये अगर नीचे कर दिया जाए तो ऊपर चला जाएगा। देखिए इसमें जैसे कि इस ट्रैक को देखिए, अगर ये सीधा है तो सीधा चला गया और ये इस तरफ में चला गया तो ये यहाँ से यहाँ चला आया। तो देखिए इस यहाँ से क्या हुआ, अगर ये नीचे चला आया तो नीचे से चला गया तो ये सामने चला जाता, और अगर ये इसको ऊपर कर दिया जाए इस स्विच को, ये स्विच को ऊपर कर दिया जाए तो ये दूसरे ट्रैक में ये चला जाता है। जैसे कि आप इस ट्रैक में देख रहे हैं, इस ट्रैक में ये अंदर से जकड़े हुए, इस ट्रैक में ऐसा व्हील लगा हुआ है जो कि अंदर से जकड़े हुए और इस व्हील में भी अंदर से जकड़े हुए, तो इस तरह से पकड़े हुए रहता है तो ना कि इस तरफ जाता है और ना ही इस तरफ, ये सिर्फ आगे या पीछे जाता है। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इस तरह से इसमें जकड़ा हुआ रहता है, ये अंदर से पकड़े हुए रहता है, ये दोनों में अंदर से जो है पकड़े हुए रहता है तभी ये आसानी से इस रेलवे ट्रैक पे चल पाती है, ये आसानी से इस रेलवे ट्रैक पे चल पाती है। इसमें अंदर से जकड़े हुए रहता है ताकि ना ही इस तरफ जाए और ना ही इस तरफ जाए, तो ये अंदर से जकड़े हुए रहने की वजह से ये जो है ट्रेन का व्हील इसमें लगा दिया जाता है ताकि ये इजिली जा सके। इसमें अगर जो है ओरिजिनल व्हील जो है इस ट्रैक का लगा दिए तो इसमें संभव नहीं है चलना, क्योंकि उसमें जो है अंदर से जकड़े हुए नहीं रहता है। देखिए जैसे कि हम इस ट्रैक्टर को देख सकते हैं, इस ट्रैक्टर में क्या इसी टाइप का सेम व्हील लगा हुआ रहता है, ये अंदर से जकड़े हुए रहने के लिए, ये अंदर से जकड़े हुए रहता है और तभी ये इजिली वे में आगे चल पाता है। ये जो है अंदर से यहाँ पे जकड़े हुए है, ये दोनों तरफ से अंदर से जकड़े हुए है तभी ये आगे इजीली चल पा रहा है, और इसमें इजी से इजी सामान लोड करके पार कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या अंदर से ये जकड़े हुए है, ये व्हील में अंदर से जकड़े हुए, ये अंदर से इसमें भी अंदर से जकड़े हुए तभी ये इजीली हम लोग को जो इजीली हर गाड़ी है जो चल पाती है इस रेलवे ट्रैक पे। जबकि अगर जो इसका ओरिजिनल व्हील लगा दी जाए, इसका ओरिजिनल व्हील, तो ये इसका भी संभव नहीं है कि इस ट्रैक पे चल सके।